नमस्कार किसान साथियों, गुजरात में मक्का के भाव कुछ इस प्रकार से रहे। गुजरात के दाहोद में 1650 से 1991, राजकोट के गोंडल में 1755 से 1780, भरूच के जम्बूसर में 1700 से 1900, साबरकांठा के में 1800 से 1850, दाहोद के लिमखेड़ा में 1580 से 1680, दाहोद में 1520 से 1550, राजकोट के 1500 से 1700 रुपये, अमरेली के राजूला में 2600 रुपये का हाईएस्ट भाव रहा। साबरकांठा में 1500 से 1850, पंचमहल के गोधरा में 1750 से 2000, साबरकांठा के धनसूरा में 1650 से 1850, दाहोद में 1750 से 1840, अमरेली में 1700 से 2025 और जम्बूसर में 1650 से 1850, अमरेली में 1000 से 2060 रुपये भाव रहा। वहीं बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी इस प्रकार से मक्का के भाव रहे। सबसे पहले बात करते हैं पुणे की, 1500 से लेकर 1600 रुपये, जलगांव में 1400 से 1651, जालना में 1350 से 1700, औरंगाबाद में 1400 से 1481, जलगांव में 1400 से 1723, अकोला में 1725, नासिक में 1774, पुणे में 2300 रुपये का एस्ट भाव रहा। अहमदनगर में 1630, मुंबई में 2500 रुपये का भाव रहा। धुले में 1600, औरंगाबाद में 1500, बीड में 1800, बुलढाणा में 1400, उस्मानाबाद में 1600, औरंगाबाद में 1800, नागपुर में 1500, नासिक में 1831, जलगांव के अमलनेर में 1650 आदि भाव रहे।